कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुजरात चुनाव में उतारा। सूरत में मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर हमला, कहा नोटबंदी से चीन को फायदा, जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। निकाय चुनाव के नतीजों से खुश मायावती की बीजेपी को चुनौती, कहा बीजेपी 2019 के चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराए। चक्रवाती तूफान ओखी से केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी तबाही, अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत, 800 मछुआरों को बचाया गया, नेवी और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा, पति को 3 साल की सजा, सरकार ने तैयारी शुरू की, शीतकालीन सत्र में बिल पेश हो सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सामने शहीद की बेटी का अपमान, राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर कहा शर्म कीजिए। एशिया यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस ने रोहिंग्या मुसलमानों के हालात पर चिंता जताई, कहा दुनिया के नेताओं का बर्ताव अफसोसजनक। सीएसडीएस लोकनीति की स्टडी का दावा, भारत के लगभग सभी धर्म के लोगों में बढ़ रहा है धर्म के प्रति रुझान। अलास्का एयरलाइंस के प्लेन में शर्मनाक हरकत, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की बहन रैंडी जुकरबर्ग से छेड़छाड़, अलास्का एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू की,